सारे रिश्तों की गंगा होती है, हर रिश्ते का समुंदर है, गहराई है। मां साक्षात सिद्ध ईश्वर है, क्योंकि शरीर से नश्वर है इसलिए भगवान वैसे नहीं कह सकते, मगर जो शक्तियां हैं, जो गुण है, वो इस संसार में और किसी जीव में नहीं होते। जन्म देने में इस संसार में सिर्फ मां मर सकती है और कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं जन्म देने में बच्चे को। मां जहां से सब सुकून, जहां सारे फैसले हो, जहां अनुशासन हो, जहां संगीत हो, गीत हो, जहां मिठास हो, जहां खिलखिलाहट हो, जहां उम्मीद हो, जहां फैसले हो, जहां राह हो, जहां मंजिल हो, जहां हम सफर हो, जहां वेदना हो, संवेदना हो, जहां एहसास हो, जहां याद हो, जहां बल हो, जहां प्रेरणा हो, जहां पवित्रता हो, जहां ठहराव हो, स्थिरता हो, जहां वचन के प्रति कटिबद्धता हो, जहां गठबंधन के नेतृत्व के गुण हो, जहां दया हो, भावना हो, फीलिंग हो, जहां दुआ हो, जहां जीवटता हो, जहां सच कहूं तो जीवन हो। सारी दुनिया में हर किसी का साइड इफेक्ट होता है, मां ऐसी होती है जिसका नो साइड इफेक्ट, ओनली इफेक्ट्स, वो भी अच्छे। जो मां है वो सब कुछ हो सकता है। मां सृष्टि का, ईश्वर का एक वरदान होता है, मां सृष्टि की संचालिक, आगे चढ़ाना, क्रिएटिविटी, अपने रूप को ईश्वर उस गुण को देता है। ये तो जिन आंखों में आंसू हो वहां सपने, जहां दुख हो वहां सुख, और ऐसा किरदार कि जिससे हम अपनी सारी बातें कह सकें, हमेशा मित्र जिससे हम अपनी सारी बातें कह सकते हैं, वो ईश्वर है। और ईश्वर जैसी तो मां है। आप जिस रिश्ते में अपनी सारी बातें कह सकते हो, इतनी सहज हो, मित्र हो, जो आपकी सारी चीजें आपको पता हो पहले से ही कि मैं जो बोलूंगा उसका हल मिलेगा, मेरी सुनी जाएगी, प्राणों तक को भी लगा दे बच्चों के लिए, वहां पे जो मां का रूप है, सारे सपने मर्यादा, जीवटता जीवन, धर्म, सारे रूप, सारी शक्तियां मौजूद होती हैं उनके अंदर। इसलिए कन्या होना, कन्या नहीं होगी तो मां कैसे होगी, खूबसूरत सी बात समझने की है। मैंने लिखी थी कि बेटी ही बचाएगी, धरा पे धर्म लाएगी, बेटी ही ना होगी तो मां कहां से आएगी। आज मदर्स डे पे ये बात कहने का मन हुआ कि हम समझे ना मां क्या, मां है, जहां मां है वहां सब है, सब्र है, संतोष है, परोपकार है, दया है, भावना है, दुआ है, क्या नहीं है। जहां मां है वहां सब है, सब्र है, रब है, जामा है। बहुत सारी बातें मां के बारे में जितना कहूं